दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार इन बातों पर चर्चाएं हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला उसके पीछे कौन से समीकरण थे और कांग्रेस अगर पिछड़ गई तो फिर उसके पीछे कौन से कारण थे। अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हुई तो फिर वो जनता की कौन सी नब्ज पकड़ पाई थी जिसके चलते कि तीसरी बार सत्ता बड़ी आसानी से मिल गई, तो फिर कांग्रेस कहां चूक गई थी, ये मंथन है खासकर कांग्रेस के नेताओं के बीच। और इस बीच क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठनात्मक ढांचे में पूरा बदलाव करने का मूड बनाया हुआ है, राजनीतिक चर्चाएं बता रही हैं कि कांग्रेस अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर जल्दी कोई नई नियुक्ति कर सकती है। राजनीतिक संभावनाएं बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक के अंदर जो ये तय किया गया कि कांग्रेस विधायक दल का नेता कांग्रेस आला कमान तय करे, तो निगाहें इस बात पर हैं कि कांग्रेस आला कमान कौन से नेता को अब अपना चेहरा बना सकता है विधानसभा के अंदर, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जितना महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का पद होता है उतना ही महत्वपूर्ण कहीं विपक्षी नेता के पद का भी माना जाता है, यानी कि जो हाउस ऑफ लीडर और अपोजिशन लीडर दोनों के बीच समानांतर तुलना हुआ करती हैं, दोनों के बीच में ये तुलना रहा करती है कि जो सदन का नेता है और जो विपक्ष का नेता है उनके बीच में कौन सी समानताएं हैं और कौन सी विषमताएं हैं। मैं जो आपको बता रहा था कि इस समय कांग्रेस मंथन के दौर में है और वो मंथन कोई छोटा मोटा मंथन नहीं, गंभीर मंथन है, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस आला कमान ये कहता है कि वो जो फैक्ट्स हैं सारे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाता है, तो फिर कांग्रेस की प्रदेश इकाई अलग से कमेटी तय करती है। मैं आपको जो बताने चला हूं इस वीडियो के अंदर वो प्रमुख बात यह है कि इस चुनाव के बाद यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की तरह, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपना जातीय संतुलन जातीय समीकरण साधे थे, भारतीय जनता पार्टी की राह पर ही शायद अब कांग्रेस भी चलने की रणनीति बना रही है। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब जो विधानसभा में विपक्ष का नेता बनना है और इसके साथ साथ जो हरियाणा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होना है, इनके अलावा जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, हालांकि देखें तो कांग्रेस ने पिछली बार कोशिश पूरी की कास्ट केमिस्ट्री बिठाने की भी। अगर जाट समाज से भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता थे जो स्वयंभू सो कॉल्ड अपने आप में जिनके कार्यकर्ता समर्थक कहा करते थे वो मुख्यमंत्री चेहरा भी थे, और जो टिकट वितरण हुआ जिसके अंदर जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंसर्न चली उसके हिसाब से तो ये भी कह सकते हैं कि वो पार्टी आला कमान की तरफ से भी अघोषित चेहरा थे, लेकिन क्योंकि वो प्रयोग असफल साबित हो गया, और एक चुनाव में नहीं तीन चुनाव में वो प्रयोग असफल साबित हुआ, 2014, 2019 और अब 2024। इस लिहाज से देखते हुए कांग्रेस पार्टी के जो मैं आपको बता रहा हूं कि अब की बार वो अपनी कास्ट केमिस्ट्री और खासकर कुछ ऐसा जातीय संतुलन बिठाना चाहती है जिससे कि आने वाले समय के अंदर सत्ता की राह सुगम और आसान हो सके। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आजकल बात चल रही है, जो मैं आपको बता रहा था कि कास्ट केमिस्ट्री जो पहले बिठाई थी, तो मैं आपको बता रहा था विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान थे, और इनके साथ साथ थे चार कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, ब्राह्मण समाज से जितेंद्र भारद्वाज थे, रामकिशन गुर्जर थे ओबीसी समाज से, गुर्जर समाज से, इनके साथ साथ वैश्य अग्रवाल समाज से भी एक नेता थे, और साथ ही साथ एक नेता ओबीसी समाज के और भी थे, यानी कि चार लोगों को शामिल किया गया था पार्टी के अंदर, जो एक प्रदेश अध्यक्ष और चार कार्यकारी अध्यक्ष विपक्ष के नेता। लेकिन इस सबके बावजूद कांग्रेस चूक गई और उसके पीछे प्रमुख जो कारण रहा कि जो आधिपत्य बना, भले ही कास्ट केमिस्ट्री तो बिठाई गई लेकिन जो उसमें आधिपत्य था वो ना तो पार्टी के आला कमान का था और ना ही प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो अन्य गुट हैं, चाहे वो उस समय, क्योंकि अब तो किरण चौधरी जा चुकी हैं, उस समय किरण चौधरी भी पार्टी में थी, उस समय चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा भी पार्टी में आ चुके थे, उस समय पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला, ये तमाम बड़े छत्रप थे, लेकिन जो तवज्जो मिली, जो आधिपत्य बना, वो बना सब मिला करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का। अगर कहें तो केवल रामकृष्ण गुर्जर को आप कह सकते हैं कि वो कुमारी सैलजा ग्रुप से थे, बाकी सभी नेताओं को देखें तो बाकी सभी नेता कहीं ना कहीं अटैच थे पूरी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से।
अब जब बात चल पड़ी है अगले संगठन की, पार्टी का जो विधायक दल का नेता यानी कि जो हरियाणा विपक्ष का नेता होंगे उनके चयन पर और पार्टी के अंदर जो नियुक्तियां होनी है, अगर कहें तो उसकी दिशा में एक कदम तो ये है कि अभी हाल ही में हरियाणा कांग्रेस ने जो अपना प्रदेश का सह प्रभारी बनाया है वो ओबीसी समाज से आते हैं, और ओबीसी के अंदर मैं कहूँ सीधे बीसी समाज से आते हैं, बघेल, जितेंद्र बघेल। अब चर्चाएं हैं कि कांग्रेस हरियाणा जो विधानसभा में विपक्ष का नेता जो बनाना है वो किसी नॉन जाट और पिछड़े समाज से बना सकते हैं, यानी कि वो नॉन जाट के अंदर भी ओबीसी समाज से और ओबीसी समाज के अंदर भी उस कैटेगरी से जो वंचित माने जाते हैं, जिनको उनके राइट्स अधिकार कम मिले। मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी को लाई थी, नायब सिंह सैनी ओबीसी से आते हैं, और वो जो प्रयोग था भारतीय जनता पार्टी का वो पूरी तरह से कामयाब रहा। अब अगर बात आ जाती है क्या भारतीय जनता पार्टी की राह पर चलते हुए या उन्हीं के हिसाब से सारा समीकरण सेट करते हुए क्या कांग्रेस भी विधायक दल का नेता अगर हो सकता है ओबीसी समाज से, तो फिर एससी समाज से प्रदेश अध्यक्ष, बीसी समाज से प्रदेश के सह प्रभारी भी आ चुके, और बाकी जो कास्ट केमिस्ट्री बिठानी है, कास्ट फैक्टर ठीक करने हैं, उसके लिहाज से क्या आपकी बार भी चार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं? क्या इनके साथ साथ में अगर कहें तो सत्ता को अलग अलग केंद्र ना बनाते हुए पार्टी के प्रभारी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के विधायक दल के नेता, इन तीन पदों को तीन समाजों में बांट सकते हैं? अगर बात आ जाएगी कि क्या ओबीसी समाज को मिल सकता है पार्टी का विधायक दल का नेता का पद, तो फिर सारे संतुलन समाज से आते हुए उस लिहाज से अगर देखें तो फिर एक प्रमुख नाम पर नजर जाती है जो पार्टी के विधानसभा में विपक्ष के नेता यानी कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता हो सकते हैं, वो नाम आता है चंद्र प्रकाश आईएएस का। हालांकि ओबीसी समाज से और यदुवंशी समाज से और भी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो चुन करके आए, लेकिन जो मैंने आपसे नाम कहा चंद्र प्रकाश का, अगर उनके पीछे की आप केमिस्ट्री देखें तो सबसे प्रमुख बात तो ये है कि चंद्र प्रकाश ओबीसी समाज के जांगड़ा समाज से आते हैं, खाती समाज जिसे कहा जाता है। अगर शिक्षित की बात करें तो वो आईएएस अधिकारी रहे हैं। अगर उनका प्रोफाइल देखें, उनकी कार्यशैली और कार्यक्षमता देखें या कार्य करने का अंदाज तरीका देखें, तो फिर चंद्र प्रकाश नौकरी में रहते हुए, सरकारी सेवारत रहते हुए, उन पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के या अनियमितताओं के आरोप नहीं लगे। आप चंद्र प्रकाश की आप ये मान सकते हैं कि कार्यकुशलता कैसी रही होगी कि उनकी इस रिटायरमेंट के बाद जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे तो उन्होंने चंद्र प्रकाश को आरटीआई जो संबंधित जो मंच होता है उसका इंचार्ज बनाया था। और अगर बात आ जाती है फिर राजनीतिक प्रोफाइल की, तो चंद्र प्रकाश ने इस विधानसभा चुनाव के अंदर अगर पहली बार हरियाणा की राजनीति में चौधरी भजन लाल का गढ़ हिला, चौधरी भजन लाल के परिवार की राजनीतिक चूल्हे हिल गई, तो हिलाने वाले चंद्र प्रकाश रहे। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे चौधरी भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई को विधानसभा चुनाव में हराया। आदमपुर के अंदर कभी आसान नहीं माना जाता था कि चौधरी भजन लाल के परिवार को राजनीतिक शिकस्त भी दी जा सकती है, लेकिन वो काम हुआ और उनको विधानसभा चुनाव के अंदर चंद्र प्रकाश ने उनको विधानसभा चुनाव हरा दिया। और अगर जाएं उनके पार्टी के संबंधों की, तो मेरे एक परिचित नेता कल मेरी टेलीफोनिक बातचीत हो रही थी, बता भी रहे थे कि चंद्र प्रकाश को जो विधानसभा का टिकट मिला, हालांकि उनको भी माना जाता था भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के बहुत नज़दीक हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हिसार से वो कैंडिडेट की तैयारी में थे, लेकिन इसके बावजूद भी माना ये जा रहा है, और जो मैंने आपको बताया मेरे राजनीतिक मित्र बता रहे थे कि चंद्र प्रकाश को जो टिकट मिला विधानसभा का आदमपुर से, आदमपुर या नलवा टिकट चाहते थे चंद्र प्रकाश, और उनकी प्राथमिकता नलवा थी, लेकिन पार्टी ने आदमपुर से टिकट दिया और उनकी अनुशंसा पार्टी आला कमान प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, इन लोगों की तरफ से थी। यानी कि जो सारे फैक्ट बैठते हैं, सारे समीकरण सज जाते हैं अगर चंद्र प्रकाश विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की, तो ये बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से एक दलित नेता को, किसी भी दलित नेता को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाती चली आ रही है, चाहे वो फूलचंद मुलाना हो, चाहे वो अशोक तंवर हो, चाहे कुमारी सैलजा हो, और चाहे आजकल चौधरी उदयभान हो, ये सभी नेता और दलित समाज के, एससी समाज के बड़े नेता रहे हैं।
लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार का खेला किया भारतीय जनता पार्टी ने एससी और डीएमसी यानी कि एससीए और एससीबी, अब कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ी मजबूरी है, बड़ी ये धर्म संकट है कि उसको किस प्रकार साधा जाए, क्योंकि जो तमाम नेता रहे जो जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया वो सभी एससीए से आते हैं, यानी कि सभी दलित समाज के अंदर जाटव समाज से आते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने आपको बताया, जो तरीका निकाला था उसकी तरफ भी अब कांग्रेस को ध्यान देना होगा। लेकिन अगर मोटा मोटी मान करके चलें तो उस लिहाज से देखें तो फिर हो सकता है कि कुमारी शैलजा को भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। अगर एससी समाज को दिया जाता है तो हो सकता है कुमारी शैलजा को वापस प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं तो फिर ये भी हो सकता है कि कुमारी शैलजा को केंद्र के अंदर यानी कि पार्टी का जो केंद्रीय इकाई है उसके अंदर और कोई महत्वपूर्ण, कोई ताकतवर, कोई वजनदार पद दे करके ये संदेश दिया जाए और इधर डीएमसी को भी अपने साथ रखने के लिए कोई और नई दिशा में काम किया जाए। अगर इसके साथ बात आएगी फिर पार्टी का प्रभारी, और इसके साथ साथ अगर देखें तो सचेतक हो सकते हैं विधानसभा के अंदर, और अगर संगठन की बात करें तो संगठन के अंदर एक अध्यक्ष के साथ दो तीन कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये जरूरत है कि अब की बार कांग्रेस एससी और ओबीसी इन दोनों समाजों को, दोनों जो वर्गों को पूरी प्राथमिकता से लेकर के चलेगी। और आप मान करके चलिएगा कि विधायक दल का नेता और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर आपको ओबीसी और एससी समाज के लोग नजर आ सकते हैं, ओबीसी और एससी समाज के नेता आपको इन दोनों पदों पर दिख सकते हैं। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे दोषी रोजाना।